वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12th, एसी जनरेटर जो कि क्लास 10th में भी आपने स्टडी किया, इस क्लास 10th में जो भी स्टडी किया है उसकी वीडियो मैंने आपको शेयर कर दी है ना। आप क्लास 12th लेवल के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, जो डेरिवेशन पार्ट है वो समझते हैं और फॉर्मूला स्टडी करते हैं कि क्या होता है। तो एसी जनरेटर आप सबको पता है क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल इंजन टू इलेक्ट्रिकल इंजन। कैसे, ये जो कॉइल आपको दिख रहा है PQRS नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में, इस कॉइल को जब रोटेट करेंगे विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, रोटेट किया यानी मैकेनिकल वर्क किया, उसके वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के थ्रू जो पास हो रही है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, और चेंज होने से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMF या करंट इंड्यूस होगी, यानी कि क्या हुआ, मैकेनिकल वर्क के वजह से करंट इंड्यूस हुई यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स दिस इज द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल, आप इसको नोट कर लेंगे, व्हाट इज द प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मीन्स फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकेंड क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रो इंडक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, या जो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि आपने कंस्ट्रक्शन क्या है एज सोन इन द डायग्राम, और पूरा लेबलिंग कर दिया आपने यहाँ पे, PQRS आर्मेचर कॉयल है जिसके एन टर्न्स मान लिया, एन टर्न्स ऐसे करके। ओके कोई जरूरी नहीं कि आप इस रेक्टेंगल फॉर्म लें, सर्कुलर बना सकते हैं। तो ये आर्मेचर कॉयल है, एन टर्न्स हैं, और इनके एंड्स कहाँ से कनेक्टेड हैं, स्लिप रिंग से, एक एक एंड एक स्लिप रिंग से, दूसरा एंड दूसरे स्लिप रिंग से। तो R1 R2 क्या है, दीज आर द स्लिप रिंग। क्यों स्लिप, क्योंकि ये जो रिंग है वो स्लिप करेंगी, ये जो स्लिप है इस पे स्लिप, ऐसे जो आपका रिंग घूमेगी तो इसके कॉन्टेक्ट में रहेगा जैसे, तो ये जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ इस मार्कर को, तो ये क्या है, इसके कॉन्टेक्ट में स्लिप कर रहा है, तो स्लिप रिंग किसके कॉन्टेक्ट में, इट इज इन कॉन्टेक्ट विद लाइट कॉन्टेक्ट विद दिस ब्रशेस B1 एंड B2, जैसा कि मैंने 10th क्लास में एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो B1 B2 ब्रशेज हैं जिसके साथ ये लाइट कॉन्टेक्ट में, और करंट जो इंड्यूस होकर इसके थ्रू पास होते हुए इस लोड रेसिस्टेंस RL से जब पास होगी, तो इस RL के अक्रॉस क्या वोल्टेज जो ड्रॉप होगा, वो V जो मिलेगा वो मिलेगा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्यों, क्योंकि करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसे हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, तो हाफ रोटेशन के बाद यहाँ जो होगी वोल्टेज की भी डायरेक्शन चेंज होगी। मीन्स यहाँ करंट वोल्टेज दोनों ही आफ्टर हाफ रोटेशन चेंज हो रहा है और पीरियडिकली हो रहा है, तो उसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट। ठीक है, अब आ जाते हैं डेरिवेशन वाले पार्ट में, तो यानी थ्योरी एंड वर्किंग में आ जाते हैं, थ्योरी एंड वर्किंग में आ जाते हैं। तो डेरिवेशन वाले पार्ट में आते हैं, क्योंकि इसकी चीजें डिटेल में मैंने 10th क्लास में बता दिया है, 10th क्लास का जो भी मैंने वीडियो शेयर किया है आपको। तो थ्योरी एंड वर्किंग में आ जाते हैं कि देखो यहाँ पे जब ये कॉइल घूम रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू, क्योंकि एन टर्न्स हैं तो एन टाइम्स बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी डॉट ए क्या होता है, तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है बी ए कॉस थीटा। ओके कॉस थीटा, और थीटा क्या होता है ओमेगा के टर्म में, क्योंकि एंगुलर स्पीड है कुछ, तो थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्पीड के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ओमेगा टी लिख देंगे। तो यानी एन बी ए कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दिया हमने। अब उसके बाद फाई इज इक्वल टू एन बी कॉस ओमेगा टी तो आ गया अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज, क्योंकि इसका प्रिंसिपल कौन सा है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रो इंडक्शन है। तो ई एम एफ इंड्यूस ई इज इक्वल टू होगा माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना, आपको क्लियर हो गया, फाई गिवन है, ई एम एफ फाइंड करना है, तो फाई को डिफ्रेंशिएट करना है, तो यस माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई की जगह रख देंगे एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो यस आप डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस एन बी ए कॉन्स्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन से बाहर, एन बी ए ओके कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन अब करना है, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी करना है, जो कि आपको पता है क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी, यस एन बी ए एन बी ए और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओके क्लास 11th में भी आपको बहुत बार कराया है, सर्कुलर टॉपिक में भी, सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में भी। ठीक है, ये आपका आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई एम एफ इंड्यूस ई क्या आएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आया। अब यहाँ पे जो देख सकते हो साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 1, तो उसके अकॉर्डिंग ई एम एफ इंड्यूस मैक्सिमम कब होगा, ई एम एफ इंड्यूस मैक्सिमम तब होगा जब आप यहाँ पे 1 रखेंगे साइन ओमेगा टी की जगह। तो आपका ई क्या आएगा, ई इज इक्वल टू आएगा आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे ई नॉट क्या है, जहां पे ई नॉट क्या है मैक्सिमम वैल्यू, ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, यानी जब साइन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ई की वैल्यू ई नॉट, ई की वैल्यू एन बी ओमेगा यानी ई नॉट होगा, तो एन बी ओमेगा जो होगा आपका वो क्या होगा,
मैक्स वैल्यू होगी, दैट वाई ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हमने यहाँ पे रखा है। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी मैं यहाँ पे नोट करता हूँ रब करके। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पे ई नॉट एन बी ओमेगा है, तो आपका ये ई नॉट क्या है, ई नॉट आपका जो एन बी ए ओमेगा है इट इज कॉल्ड पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। किसका एम्पलीट्यूड, एम एफ इंड्यूस का एम्पलीट्यूड। ओके, और अगर करंट निकालनी हो तो करंट इज इक्वल टू ई बाई आर होता है, ई बाई आर यानी ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। ई नॉट बाई आर क्या लिख सकते हैं, आई नॉट लिख सकते हैं, तो साइन ओमेगा टी। ओके, तो अब यहाँ पे आई नॉट क्या, आई नॉट है ई नॉट बाई आर यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट यानी एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, और ई नॉट की वैल्यू क्या है एन बी ए ओमेगा। तो आपको मिल गया ई स्क्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई स्क्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज इंड्यूस या ईएमएफ इंड्यूस, वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये करंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे के चैप्टर में याद रखना है, वोल्टेज को वी से भी लिख सकते हैं, चाहे ई लिखो चाहे वी लिखो, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या आ गया, दिस इज द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेटेड हेयर, और करंट क्या है, एंड करंट है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये दोनों फॉर्मूले नेक्स्ट चैप्टर के यानी ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए हमें यूज करने हैं, दिस इज द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड दिस इज द ऑल्टरनेटिंग करंट। अब इसका वी का वेरिएशन टी के अकॉर्डिंग कैसा होता है वो स्टडी करते हैं। तो कैसा होता है वी का वेरिएशन टी के अकॉर्डिंग और आई का वेरिएशन टी के अकॉर्डिंग, जैसे आप देख सकते हैं साइन का फंक्शन है, साइन का फंक्शन कैसे वेरी करता है, ये मैंने ग्राफ प्लॉट करना है। वी पहले ड्रॉ करता हूँ, टाइम वर्सेस वी वर्सेस टी, तो ग्राफ कैसे आएगा, टी जीरो पे वी जीरो क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है ये, फिर मैक्सिमम होगा 90 पे। मैं आपको पहले ड्रॉ कर देता हूँ फिर बताता हूँ कहाँ पे क्या है। ठीक है, ये आपका जीरो पे ये होगा, और टी आपका जब टी बाय फोर होगा, जब टी टी बाय फोर होगा तो यहाँ पे जो साइन ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और ओमेगा टी अगर लिखेंगे तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अगर स्मॉल टी की जगह टी बाई फोर रखूंगा तो क्या आएगा, ओमेगा टी यानी इसको थीटा कहते हैं ना ओमेगा टी को, तो 90 आएगा, साइन 90 क्या होता है मैक्सिमम। फिर यहाँ पे 180 आएगा, जीरो यानी 180 कब आएगा, जब आप टी बाई टू रखेंगे, यानी इस फुल साइकिल, ये आपका जीरो से फुल साइकिल के लिए है और ये हाफ साइकिल के लिए, जब यहाँ पर रखेंगे थीटा ओमेगा टी, तो जब आप टी की जैसे जैसे वैल्यू रखेंगे ओमेगा यानी ओमेगा टी यानी थीटा मिलेगा और थीटा के अकॉर्डिंग ये वैल्यू मिलेगी। और आप यहाँ पे देख रहे हैं 270 डिग्री होगा ये, वहाँ पे क्या होता है माइनस में होगा। ठीक है, तो ये और ये टी बाई फोर टी बाई टू, ये क्या होगा, ये 3t/4 होगा और ये टी। और ये है वोल्टेज वर्सेस टाइम, करंट के लिए भी साइन का ही तो फंक्शन है, तो करंट के लिए भी सेम होगा, बस करंट का ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो ये है वी के लिए और ये है आई के लिए, ये है वेव फॉर्म, साइन वेव फॉर्म में है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ये करंट, इस तरह वेरी करना है और ग्राफ प्लॉट करना होता है, इस फॉर्मूले से करना होता है। ओके, मैथमेटिकली आपको पता है कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओमेगा टी की हेल्प से, ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है, ओमेगा इंटू स्मॉल टी, स्मॉल टी की वैल्यू आप रखते जाएंगे और आपको थीटा यानी ओमेगा टी जो है वो मिल जाएगा जीरो पे, टी बाई फोर पे, टी बाई फोर मतलब 90 डिग्री आएगा यानी पाई बाई टू आएगा, टी बाई टू पे क्या आएगा 180 डिग्री यानी पाई आएगा, 3t/4 यानी 270 डिग्री, और कैप टी रखने पे, कैपिटल टी रखने पे क्या आएगा 2 पाई आएगा यानी 360 डिग्री, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया जाता है। ये है आपका कंसेप्ट ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का, एसी जनरेटर का। तो एसी जनरेटर इस तरह वोल्टेज या करंट जनरेट करती है। इस वीडियो का आप रिवाइज जरूर करेंगे, और आपको पता ही है मैं हमेशा कहता हूँ फिजिक्स जितना आप रिवाइज करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप इसके लिए कॉन्फिडेंट होंगे। एक बार में मैं कहता हूँ कोई चीज़ हमेशा नहीं समझ आती, आप सोचते हो कि एक बार में साइकिलिंग आ जाए, एक बार में कार चलाना आ जाए, नहीं, कॉन्फिडेंट तब आता है जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो, तो टाइम के साथ कॉन्फिडेंट आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे कि जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इसके लिए प्रैक्टिस करते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा और आप अपने एम को, गोल को अचीव कर सकते हैं, यानी कि 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में। ओके।